आज इस वीडियो में देखेंगे क्या होते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? जो कंस्ट्रक्टर जिनके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि उनके हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पैरामीटर का नेम होगा, जैसे क्लास नेम होगा, क्लास नेम के जैसा। नाउ अब हम उसमें लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इसमें जैसे लिख दें हम int a कॉमा फ्लोट b कॉमा स्ट्रिंग str। नाउ ये जो पैरामीटर्स है इसे बोलेंगे हम पैरामीटर। नाउ ये जो ब्लॉक है हम इन्हें बोलते हैं पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। सो ये कंटेन करेंगे तो वो सारे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर्स होंगे। बेसिकली इनको यूज़ करते हैं हमारे डेटा को हमारे इसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर लेकर आने के लिए, या मोर एक्यूरेटली ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। तो कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम, तो हम देखेंगे VS कोड में, जावा में। तो यहाँ पर डाल देते हैं पैरा डॉट जावा, हमने फाइल बना ली और एक्सटेंशन गलत हो गया, तो हम दोबारा से बना लेते हैं पैरा डॉट जावा। तो ये हमारा मेन ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे हमारे जैसे क्लास का नेम है पैरा, तो हम इसका पैरामीटर बना लेंगे क्लास के नेम जैसा होगा पैरा। नाउ इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, जैसे int a पास किया मैंने। नाउ मैंने एक पास कर दिया स्ट्रिंग n। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया पैरामीटर्स के साथ, जिसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। वेल अब इसे इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वैल्यूज उसको असाइन करेंगे। जैसे हमारी क्लास है पैरा ओबीजे, हमने ऑब्जेक्ट का नेम रख लिया, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा, तो रखा हमने पैरा। नाउ ये हमने ओबीजे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे ये यहाँ पे दिखा रहा है एरर, द कंस्ट्रक्टर पैरा इज अनडिफाइंड। नाउ सो इसका मतलब हो जाएगा, जैसे ये पैरामीटर ये खुद ही इसे बता रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया इसे चाहिए ये वाले पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स। ना जैसे अगर हम इसमें अब पास कर देते हैं आर्ग्यूमेंट, सबसे पहला है हमारा इंटीजर ए। सो हम यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, जैसे सेज मैंने कर दी 10। नाउ कोमा अगला हमने दिया है स्ट्रिंग टाइप का, सो हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास कर देंगे, लाइक मैंने पास कर दी योगेश। तो हमने ये वैल्यूज को हमने इसमें पास कर दिया है। नाउ अब यहाँ पे हम बना लेंगे एक इंटीजर टाइप का एक्स एंड एक स्ट्रिंग बना लेंगे हम नेम, जो हमारे डेटा को स्टोर करेगी। अब जो ये जो भी वैल्यूज ये लेके आएगा, जैसे 10 एंड योगेश, ये वैल्यू लेकर आएगा पैरामीटर, तो इन्हें हम असाइन कर देंगे हमारे वेरिएबल्स, जो ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए हमने एक्स एंड स्ट्रिंग को, एक्स और नेम को। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा हमारा ए एंड हमारा नेम हो जाएगा एन। जो भी वैल्यूज आई हमने एज अ ग्लोबली एक्स एंड वाई, एक्स एंड नेम के जो भी हमारे डेटा मेंबर्स थे उनमें स्टोर कर लिए। सो बेसिकली अब हम इसका एक फंक्शन बना लेंगे वॉइड डिस्प्ले, जो इन्हें डिस्प्ले करेगा रिकॉर्ड्स को। सो ये जो फंक्शन है हम इसे रहने देंगे डिफॉल्ट, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। यहाँ पे हम इसे प्रिंट आउट कर लेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम पास करते हैं, हम पहले लेंगे हम ये एक्स। तो यहाँ पे मैसेज लिख देंगे वैल्यू इज, नाउ इसमें हम पास ले लेंगे वैल्यू को, कौन सा ग्लोबल हमारा था एक्स, तो एक्स की वैल्यू। नाउ अब हम यहाँ पर दे देंगे बैक स्लैश टी, एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देंगे हम नेम इज, उसके बाद हम यहाँ पर ये नेम जो हमने दिया था ये इस पास कर देंगे सिंपल। सो ये हमारा प्रोग्राम तैयार है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। सो इसे हम करते हैं कंपाइल एंड रन। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। वेल ऑल राइट, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पैरामीटर्स दिए, सो ऑब्जेक्ट को हमने कॉल ही नहीं किया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे हमने जो ये फंक्शन बनाया डिस्प्ले, इसको कॉल ही नहीं किया। तो हम इसे कॉल कर लेंगे हमारे ऑब्जेक्ट क्लास, ये जो क्लास है पैरा, इसके ऑब्जेक्ट को यूज के ओबीजे डॉट
यहाँ पर लिख देंगे हम डिस्प्ले, जो ये फंक्शन का नेम है, सेम ये नेम यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। सो अब इसे हम करेंगे रन। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा ऑटोमेटिकली वैल्यूज इन्हें इनिशियलाइज हो जाएगी। सो ये आ गया वैल्यू इज 10 एंड नेम इज योगेश। तो ये था हमारे पैरामीटर्स, कंस्ट्रक्टर का इम्प्लीमेंटेशन, यूज़।